क्या रद्द हो जाएगी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा? क्या छात्रों को फिर से लिखना पड़ेगा गणित का पेपर? नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं, यदि आप मैट्रिक की परीक्षा देकर घर पर आराम कर रहे हैं, तो एक मिनट रुक जाइए और इस वीडियो को देखिए। दरअसल अभिभावक और छात्र छात्राओं के मन में लगातार ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद अब परीक्षा फिर से लिए जाएंगे या नहीं, इसको लेकर के आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं खत्म करा ली गई हैं, वहीं 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के पहले दिन ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नकल विहीन परीक्षा कराने के इंतजाम के दावों की कलई खुल गई। मोतिहारी शहर में बिहार बोर्ड 10वीं के मैथ का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही अभिभावकों और परीक्षार्थियों के मोबाइल फोन में आ पहुंचा। वहीं इसके बाद मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि जो पेपर वायरल हुआ था उसके सभी प्रश्न मैच हो गए हैं। एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो जांच टीम में शामिल SDM ने कहा कि 100 में 16 प्रश्न वायरल हुए थे जो जांच में सही पाए गए हैं। ऐसे में अब साइबर सेल मामले की जांच करेगा कि उन्हें किसने वायरल किया, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की पुष्टि हो जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जिले के सभी छात्रों या फिर बिहार के छात्रों को दोबारा एग्जाम देना पड़ सकता है, जिसको लेकर परीक्षार्थियों में संशय बना हुआ है। वहीं इसको लेकर जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट और बोर्ड के ट्विटर हैंडल को हमने खंगाला तो फिलहाल दोबारा परीक्षा लेने से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और ना ही अभी तक बोर्ड की ओर से कोई भी जानकारी सामने आई है। वहीं पेपर लीक होने के बाद बिहार बोर्ड और प्रशासन पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। पहले ही दिन प्रथम पाली में होने वाली गणित विषय का प्रश्न पत्र आउट हो जाना कई सवालों को जन्म देता है। वहीं इससे पहले भी 1 फरवरी 2022 को इंटर परीक्षा के दौरान सुबह की पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर गणित का पर्चा बताकर एक पेपर वायरल किया गया, जिसके बाद छात्रों में गुस्सा भी देखने को मिला था। हालांकि बाद में यह पता चला कि यह पेपर नकली था, शरारती तत्वों ने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया था। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा 2 शिफ्टों में हो रही है, सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक और दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले 10 मिनट दिए जाने का नियम है। पहली पाली के लिए 9:20 तक प्रवेश दिया जाएगा, दूसरी पाली के लिए 1:35 तक प्रवेश छात्रों को मिल रहा है। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले 2 बार परीक्षार्थियों की जांच की जा रही है। वहीं परीक्षा 24 फरवरी यानी कल तक चलेगी। परीक्षा में लगभग 8,27,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें छात्राओं की भी बड़ी संख्या है। छात्राओं की बात करें तो 4,04,207 छात्राएं इस बार मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हो रही हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से मैट्रिक परीक्षा को लेकर के लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैट्रिक की परीक्षा कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी भी अभिभावकों और छात्रों के मन में यह संशय बरकरार है कि क्या प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, या सिर्फ संबंधित जिले की परीक्षा को रद्द की जाएगी, या बिहार भर के छात्रों को फिर से गणित का पेपर लिखना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर के हमने BSEB के आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला, उनके ट्विटर हैंडल को देखा, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। इस प्रकार से यदि कोई जानकारी हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपको दिखाएंगे कि आखिर BSEB की आधिकारिक वेबसाइट और ट्विटर हैंडल के साथ साथ BSEB अधिकारियों का इस संदर्भ में क्या कहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल बिहार इन शॉर्ट्स को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी। धन्यवाद।